हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है डे टू और आज हम लोग नारकंडा से कहीं तक तो जाएंगे। वो आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको हेडलाइन से ही पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। वैसे प्लान तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कवर करें। तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं, सीन्स देख लो आप ज़रा। यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने चालू हो गए नारकंडा से ही। वहाँ आपको एकदम एंड में है, दिख नहीं रहे होंगे, कुछ दिनों बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आप देख लेना। तो अभी फ़िलहाल है कि हम लोग तैयार हो चुके हैं, बट आज़म भाई की नींद नहीं पूरी हो रही है, तो अभी वो सो रहे हैं। थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, 9:30 बजे तक नारकंडा छोड़ देंगे, उम्मीद यही है, जिससे कि इजीली अपना 4-5 बजे तक होम स्टे ढूंढ के वहाँ पे रुक जाएं। ज़्यादा सफोकेशन वाली राइड नहीं करनी है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और बाइक्स पे मिलते हैं आपको। कल रात को हम लोग जहाँ रुके थे श्याम भोजनालय, सेम उसी जगह पे वापस से आए हैं। ये देखिए व्यू रेस्टोरेंट से जहाँ पे हम लोग कल रात को आए थे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे पराठा, पराठा चाय। ये बंदे की हालत खराब हो रखी है। क्या हो गया? सर दर्द है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सर दर्द। तो ये आ चुका है हमारा नाश्ता श्याम भोजनालय पे, जो कि नारकंडा पे ही है। और भैया ने ये, थैंक यू भैया, ये भैया ने टू स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हमारे लिए। तो चलिए फिर नाश्ता ख़त्म करते हैं और निकलते हैं रोड पे। कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा कि हम लोग नारकंडा कैसे पहुँचे, तो जल्दी से जाके व्लॉग्स देखो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ये आप देख सकते हो, खूबसूरत नज़ारों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये जो डेस्टिनेशन है, ये जो ट्रैवल है, ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग है मेरे लिए। देख सकते हो आप दोनों तरफ, जिधर भी आप देखोगे। और इस टाइम पे निकलने का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही साफ मौसम और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, एक गाड़ी नहीं दिख रही है रोड पे। बहुत दूर दूर तक हम लोग सीधे चला रहे हैं। ये देख सकते हो आप, नीचे खाइयाँ भी है तो थोड़ा डर भी लगेगा। हाँ, तो अब ये हो गया आपके सामने नज़ारा, कुछ धूल भरा। अब शायद धूल चालू हो जाए, बिकॉज ये ट्रक जिस हिसाब से आ रही है धूल उड़ाते हुए, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा धूली माहौल होने वाला है। अब यहाँ पे रेत वाले पहाड़ भी दिखने चालू हो गए और ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी दिखाई दे रही है मुझे। अपाची देखते हैं आप, अच्छी ऑफ रोडिंग के सामने कैसे टिकती है। धक्कड़ धक्क 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 धक 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 धक, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। बड़ी लंबी जाम लगी है ये तो। तो यहाँ खड़े किस लिए हैं हम लोग, देखें जरा। इधर आ जाओ, ये रोड साफ कर रहे हैं ना, इस वजह से रुका। सिर्फ घूमने के लिए, बहुत बढ़िया। तो रेंट कहाँ से, दिल्ली से लिया है या हाँ चंडीगढ़ से? वेरी गुड, थैंक यू, मिलते हैं फिर। चलो भाई, रोड स्टार्ट हो गया, फटाफट निकलते हैं वरना सबसे पीछे रह जाएंगे। ओके 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 ओके, रोड थोड़े ख़राब हैं यहाँ के।
हम निकलते हैं। फिसलन हो रही है, शिट, ग्लास नीचे करना भूल गया था मैं। ओ भाई वीडियो बना रहा था अपने फेसबुक पे डालने के लिए शायद। सतलुज रिवर है ये, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये कौन सी रिवर है, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था गाइस, मैंने देख लिया गाइस, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये है सतलुज रिवर गाइस। ओके तो अब चलते हैं, रामपुर पहुँच के हम लोग रुकने वाले हैं, पहला स्टे हम लोग रामपुर में करेंगे। 60-65 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं और टी ब्रेक लेंगे। बताइए उसको, कार साइड में करने से पहले इंडिकेटर भी नहीं दे रहा है। ये हम रामपुर में एंट्री कर चुके हैं यार, और बहुत ही कमाल की जगह लग रही है ये। ओके अब यहाँ पे रुकेंगे चाय पीने के लिए, कैफे सतलुज हिमाचल टूरिज्म। अच्छा कैफे लग रहा है, तो कॉफी पीते हैं यहाँ पे। ओके काजा 300 किलोमीटर और कालपा 100 किलोमीटर, चलिए फिर चलते हैं काजा की तरफ, जाना है हमें। यहाँ से 300 किलोमीटर है काजा मेन, हमें काजा ही जाके वापस आना है। 600 किलोमीटर मतलब आना जाना ट्रैवल करना है यहाँ से, समझ रहे हो? तैयार हो इसके लिए? दम है, है? चलो फिर। तो अभी कहाँ स्लो चलाई हम लोगों ने, देखो एक बार कितनी देर में हम लोग यहाँ आ गए। हाँ चलिए देखते हैं कैसा है कैफे रेस्टोरेंट। इधर है बार, चलिए करते हैं ऑर्डर कॉफी का। निकल चुके हैं रामपुर से, अब हम लोग जाने वाले हैं जोहरी। जोहरी पे ही होगा हमारा एक नेक्स्ट स्टॉप, वहीं पे खाएंगे खाना। हालांकि भूख थोड़ी थोड़ी लगने लगी है क्योंकि बाइक थोड़ा सा साफ़ करना था, बाइक थोड़ी गंदी लग रही थी। बाइक स्पोर्ट्स बाइक पे अगर आप चलो और वो थोड़ी सी गंदी लगे तो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम दोनों थोड़ी सी अपनी अपनी बाइक साफ़ करने लगे थे और अब चमक रही है थोड़ी। काफ़ी फैंस भी आ गए हमारे जो कि देखने लगे थे बाइकों को, और गर्मी लग रही है तगड़ी वाली। चलो 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 आ जाओ। हाँ यार गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे गोलगप्पे। हाँ हाँ घुमा लो, गोलगप्पे खा लेते हैं, आधे एक घंटे तक भूख नहीं लगेगी फिर। हाँ आपके यहाँ गोलगप्पों को क्या बोला जाता है? मेरे यहाँ तो पुचका बोला जाता है, पुचका भी बोला जाता है, पानी पूरी भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। तो खाते हैं आप गोलगप्पे। सांगला विलेज तक जाने का प्लान है यार दोस्तों, जो कि 120 किलोमीटर आज के दिन कवर करना है, मतलब टोटल हमारे हो जाएंगे 200 किलोमीटर। कल सामान रख देंगे जहाँ पे सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, चितकुल वगैरह घूम के, द लास्ट विलेज वगैरह। चितकुल को द लास्ट विलेज भी बोलते हैं। या यही तो देखना होता है, अगर आप पहाड़ों पे आए हो तो पहाड़ में कोई डेस्टिनेशन का मजा नहीं होता है, ये रास्तों का मजा होता है, और ये रास्ते आपको इसी बाइक पे एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। मतलब मज़े जो आते हैं बाइक के और रास्तों के, वो किसी सुपर बाइक पे आते हैं। ये देखो तीखा मोड़, तो इन पे बच के रहना दोस्तों।
हॉर्न दें और उसके बाद ही निकले। अब अगर आप प्लैटिना और हीरो होंडा लेके आते हो तो चली तो वो भी जाएंगी, बट मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो? ओह शिट, हाँ नहीं नहीं सही टाइम पे मोड़ ली थी यार, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया ब्रेकिंग पे। हाँ, पता है रेत पे आराम से मोड़नी चाहिए। अरे बाइक कंट्रोल में है यार, बहुत ही प्यारी बाइक है यार अपाची 310R, मतलब मज़ेदार, मैं कभी भी ऑफ फील नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? और ना कि बाइक हीट हो रही है, इस बाइक का हीटिंग, अरे तो स्पीति वैली तो जाहिर सी बात है, तुम्हारी भी तो हायाबुसा भी तो स्पीति वैली पहली बार ही आ रही है। ओ भाई साहब, रास्ते देख रहे हो, क्या मज़ेदार पहाड़, अभी और भी मज़ेदार आने वाले हैं आजम भाई, पहाड़ देख के। अरे साला तूफानी हवा फील की हमने, हाँ। और यही रोड मिलेगा तुमको, समझ रहे हो? जो लोग तुम्हें डरा रहे थे कि रोड अच्छे नहीं है, रोड बहुत खराब है, ऐसा ही रोड तुम्हें मिलने वाला है। एक और जरूरी सूचना यार, कि जब आप पहाड़ों की तरफ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है पहाड़ आपकी तरफ चल रहे हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं अभी मोड़ था, मतलब सीधे जा रहा था, मुड़ी नहीं मेरी बाइक, मुझे ब्रेक लगाना पड़ा और रोकना पड़ा, सही टाइम पे रुक गई मेरी बाइक, उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था। तो ये हुआ क्यों था, क्योंकि मैं पहाड़ की तरफ ऐसे देख रहा था तो मुझे लगा वो चल रहे हैं, मेरा ध्यान भटक गया और अचानक से मोड़ था मेरे सामने, तो वो चीज़ काफ़ी ध्यान भटकाऊ है। तो अगर आप बाइक से आ रहे हो तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसी अपोजिट चीज़ को ज़्यादा देर तक ना देखें। ट्रिप अपडेट फ्रॉम हायाबुसा, मतलब जो ओनर हैं हायाबुसा के मोहम्मद आजम साहब, उन्होंने बताया एक लेटेस्ट अपडेट अपने सारे व्यूवर्स के लिए कि अगर आप हायाबुसा चलाते हो, अगर हाईवे पे या ऐसी रोडों पे पहाड़ों पे, तो आप थकोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकोगे, और आपकी सीटिंग पोजीशन की वजह से आपको वो भी नहीं होगा, क्या कहते हैं, पेन, जो हिप्स पेन होता है वो नहीं होगा, और आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। दैट्स द मैन हु टेलिंग मी ऑन माय ब्लूटूथ। बच्ची बाय बाय कर रही है, भूख लग रही है। हाँ यार आजम भाई भूख तो लग रही है यार, चलो यार फिर खाते हैं। हाँ चलो खाते हैं खाना। क्या खाना है? कुछ भी खा लेंगे, वैसे एक टाइम चिकन खाएंगे आजम भाई, एक टाइम चिकन खाएंगे यार, 500-800 का ही तो खर्चा आ रहा है पर डे पर बंदे का। भाई पैसे से मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा, गांव के अंदर बकरियां खा रही है पैसा, बकरियां पैसे खा रही है बकरियां। हाँ भाई अब दूसरा बंदा है ये दिल्ली से, दूसरा बंदा है ये इंडिया से, जो हायाबुसा लेके स्पीति जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बकरियां तो खा ही रही होंगी पैसे हैं। चलो फिर निकलते हैं, सीन्स कुछ ऐसे हैं, फोटोज वगैरह खींच लिया हमने, सब इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रही हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है जल्दी से जाओ, मिस्टर अर्पित सिंह 00, ये है मेरे इंस्टाग्राम। तो चलो फिर चलते हैं। किन्नौर वाटरफॉल, और ये भी ब्लॉगर हैं भाई साहब हमारे, ये देखो आप लोग एंजॉय करो व्यू। दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्या? हाँ दिख तो रहा है, ये रहा, ये आप देखोगे ये ब्लैक वाली दारू की बोतल दिख रही है, दिख रही है, उसी के जस्ट दिख रहा है। इस बंदे की वजह से, इस बंदे की वजह से गिराया वो चीज, मेरे वजह से नहीं गिरा भाई, तो भाई तुमने दौर साले यार, कान का एयरपॉड मेरा गिर गया यार, रास्ता नहीं है कोई भी, बट यार छोड़ो जाने दो यार, गिर गया देखेंगे ले लेंगे फिर दारू का। हाँ उसके बगल में एक वाइट वाला, हाँ 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 मैगनेट है उसमें,
मैग्नेट तो है, एयरपोर्ट्स में तो मैग्नेट होता ही है। मेरे पास मैग्नेट है ना। मैग्नेट है हाँ, तो फिर तो रस्सी है मेरे पास। रस्सी तो भाई, रस्सी तो मैग्नेट से निकल जाएगा यार। मैग्नेट तो सॉलिड है, मैग्नेट सॉलिड है एक्चुअली। उसके ऊपर ना वो जो मैग्नेट है ना, वो नीचे है, वो नीचे की तरफ है, सिर्फ यही दिक्कत है। यार मेरी भी मती मारी गई थी जो मैं इसके कहने पे इस साइड आया। एक मिनट भाई, पकड़ के रखियो, रस्सी पकड़ के रखियो। हाँ हाँ। ओ भाई निकल गए यार, क्या बात है मेरी जान। ये मेरा भाई, निकले भाई का 50 रुपए का निकाला। थैंक यू यार, कोई नहीं कोई नहीं, एक राइडर राइडर के काम आता है। बिल्कुल, ये नज़ारे दिखाने के लिए हम लोग दिल्ली से यहाँ तक, या दिल्ली से कोई भी व्लॉग जो बनाता है, कोई भी जो व्लॉगर है, वो सफ़र करता है यार, अपनी नींदें उड़ाता है, अपने सुकून को, बाइक को, सब कुछ को हटा के एक व्लॉग बनाता है आप लोगों की खुशी के लिए। हाँ, बहुत मिनिमम वेजेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं लखपति हो गया हूँ यूट्यूबर से, यूट्यूब से, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। लाइक कमेंट और सपोर्ट करोगे तो जाके कहीं अगर मैं आगे बढ़ पाया तो ठीक है। पैसे यूट्यूब से सिर्फ मिनिमम लोग ही कमाते हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं लाखों करोड़ों में, सिर्फ वो कमाते हैं अगर पैसों की बात की जाए तो। हम तो आपके प्यार के लिए वीडियोस बनाते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है, बट आपके प्यार के लिए। और आप लोग लाइक कमेंट करने में ही शर्म करते हो, बताओ। हो वाह वादिया। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, मैं हमेशा यही बात रटूंगा क्या तुम लोगों से। हाँ, सब्सक्राइब का बेल आइकन अभी प्रेस कर दो और सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे मिलते हैं बाकी रास्तों पे, क्योंकि ये रास्ते तो ऐसे ही होने वाले हैं मज़ेदार।